आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि भूकंप की शक्ति का कैसे पता लगाया जाता है। देखिए, परिमाण और तीव्रता किसी भूकंप की प्रबलता मापने के दो तरीके हैं। भूकंप के परिमाण का मापन भूकंप लेखी में दर्ज भू तरंगों के आधार पर किया जाता है और भूकंप लेखी भूकंप का पता लगवाने वाला उपकरण है। किसी भूकंप की प्रबलता भूकंप लेखी में दर्ज हुई संकेतों के अधिकतम आयाम और भूकंप स्थल से उपकरण की दूरी के आधार पर निर्धारित की जाती है। अब इसमें रिक्टर पैमाना होता है। रिक्टर पैमाने पर निर्धारित परिमाण के आधार पर भूकंप का वर्गीकरण हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे रिक्टर पैमाना अगर 0 से लेकर 1.9 तक है तो क्या होता है, सिर्फ सिस्मोग्राफ से ही पता चलता है। जैसे 2 से अगर 2.9 रिक्टर पैमाना है तो फिर हल्का कंपन होगा। 3 से 3.9 रिक्टर पैमाना है तो समझ लीजिए कोई ट्रक आपके नज़दीक से गुजर जाए, ऐसा एहसास होगा। 4 से 4.9 तक अगर हुआ तो खिड़कियां टूट सकती है, दीवारों पर टंगी फ्रेम गिर सकती है। 5 से 5.9 तक का अगर भूकंप आया है रिक्टर पैमाना तो फर्नीचर हिल सकता है। 6 से 6.9 रिक्टर पैमाना तक यदि भूकंप आया है तो इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है। 7 से 7.9 रिक्टर पैमाना पर यदि भूकंप आया तो इमारतें गिर जाती हैं, जमीन के अंदर पाइप फट जाते हैं। और 8 से 8.9 रिक्टर पैमाना के यदि भूकंप आया तो इमारतों सहित बड़े पुल भी गिर जाते हैं, और 9 और उससे ज़्यादा यदि आया तो पूरी तबाही आ जाती है, पूरी तबाही। कोई मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती लहराते हुए दिखाई देगी। यदि समुद्र नज़दीक हो तो सुनामी आने की पूर्ण संभावना है। रिक्टर पैमाना आरंभ तो एक इकाई से होता है लेकिन इसका कोई अंतिम छोर तय नहीं किया गया है। वैसे अब तक ज्ञात सर्वाधिक प्रबल भूकंप की तीव्रता 8.8 से 8.9 के मध्य मापी गई है। चूंकि रिक्टर पैमाने का आधार लघु गणकीय होता है इसलिए इसकी प्रत्येक इकाई उसके ठीक पहले वाली इकाई से 10 गुनी अधिक होती है। रिक्टर पैमाना भूकंप के प्रभाव को तो नहीं मापता है, यह पैमाना तो भूकंप लेखी द्वारा भूकंप के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा के आधार पर भूकंप की शक्ति का निर्धारण करता है। अभी तक भारत में आए सर्वाधिक प्रबलता के भूकंप का परिमाण रिक्टर पैमाना 8.7 में मापा गया है और यह भूकंप 12 जून 1897 को शिलांग प्लेट में आया था। रिक्टर परिमाण का प्रभाव भूकंप के अधिकेंद्र वाले समीपवर्ती क्षेत्र में महसूस किया जाता है। भूकंप के सर्वाधिक ज्ञात प्रबल झटके का परिमाण 8.8 से 8.9 के परास तक देखा गया है, जो रेंज है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।